दिलजीत दोसांझ स्टारर सूरमा कहानी है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान फ्लिकर सिंह यानी कि संदीप सिंह की। मेरा नाम संदीप सिंह है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मेरी एज 27 ईयर ओल्ड है और मैं इंडियन हॉकी टीम में एज ए ड्रैग फ्लिकर रोल करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संदीप सिंह की कमबैक स्टोरी के बारे में, जिस पर फिल्म सूरमा बेस्ड है, और डेफिनेटली यह कहानी आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगी। स्कूल लेवल में कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इंडिया खेलूंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं स्टेप लेता रहा आगे, तो मुझे मेरा गोल था वो बड़े होते रहे और उसको अचीव करने के लिए मेरे और ट्रेनिंग की। सत्ताईस फरवरी 1986 को शाहबाद मरकंडा हरियाणा में जन्मे संदीप सिंह ने अपने बड़े भाई को देख हॉकी खेलना शुरू किया। वो हॉकी खेलते थे तो मुझे होता था कि उनको हॉकी स्टिक्स, उनको जूते, उनको कपड़े मिलते हैं, मुझे भी मिले। मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे हॉकी स्टिक्स चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो वो कहते थे अगर हॉकी खेलोगे तभी मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते खेलते इन्हें इस खेल से बेहद प्यार हो गया और इन्होंने अपने खेल को अलग लेवल पर ले जाने की ठान ली और कड़ी मेहनत शुरू कर दी। इनकी मेहनत रंग लाई और 2004 में सुल्तान अजलन शाह कप में इन्हें भारत के लिए खेलने का मौका मिला। फिर इन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद ये जूनियर वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर भी रहे। संदीप सिंह की यह जबरदस्त फॉर्म जारी थी, मगर 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिससे संदीप सिंह की जिंदगी एक झटके में बदल गई। जर्मनी में होने वाले सीनियर वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम को रवाना होना था। 2006 मेरा पहला वर्ल्ड कप था। वो मैं 22 अगस्त मॉर्निंग की शताब्दी में बैठा तो सडनली एक साउंड आता है जैसे एक ब्लास्ट होता है। RPF का ऐसा ही था, बाय मिस्टेक गोली चल गई जिसके कारण मुझे ऑन द स्पॉट पैरालाइज हो गया। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनका ऑपरेशन हुआ और 4 हफ्ते बाद इन्हें होश आया। जब मैंने देखा मेरे सामने डॉक्टर की टीम बैठी हुई थी, दे सेड संदीप आप एक्सट्रीमली लकी हो जो बच गए हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप कभी हॉकी खेलोगे, कभी आप चल पाओगे, आप लकी हो गए कि आप व्हीलचेयर पे भी बैठ जाओ। संदीप ने खुद को नेगेटिविटी से एकदम दूर रखा। मैंने डॉक्टर साहब को बोला सामने गेट है, आप जा सकते हैं, मुझे किसी भी नेगेटिव पर्सन की यहाँ जरूरत नहीं है। वह पूरे दिन बेड पर लेटे रहते थे और इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, मुझे खेलना है और इंडिया के लिए खेलना है, दोबारा हॉकी खेलनी है, दोबारा फील्ड पे उतरना है। जिस हॉकी स्टिक से अब तक संदीप ने इतने गोल किए थे, आज वह उसी हॉकी स्टिक से चलना सीख रहा था। वह एक कदम चला और गिर गया, उठा, 2-4 कदम चला और फिर गिर गया, वह फिर उठा और फिर चला। और ऐसे ही एक दिन आया जब डॉक्टर्स ने संदीप को व्हीलचेयर पर बैठा दिया और साथ ही उन्हें अब्रॉड में रिहैब के लिए सजेस्ट किया। 6-7 महीने कड़े रिहैबिलिटेशन से गुजरने के बाद आखिरकार संदीप एक बार फिर से अपनी टांगों पर खड़े हो गए। अब संदीप सिंह के आगे सिर्फ एक ही गोल था, इंडिया के लिए फिर से खेलना। डायरेक्टली नेशनल टीम में जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू की और बहुत से मैचेस और टूर्नामेंट्स खेले, मगर अब भी इनकी फिटनेस पर सवाल उठ रहे थे। फिर एक टूर्नामेंट संदीप सिंह का अच्छा जाता है और इन्हें इंडिया टीम में वापसी का मौका मिलता है। 2008 के सुल्तान अजलन शाह कप में संदीप ने जबरदस्त कमबैक किया और 8 गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। टूर्नामेंट में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत इन्हें टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया और इनकी कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने 2009 में 13 साल बाद सुल्तान अजलन शाह कप पर कब्जा किया, जिसमें संदीप सिंह टॉप स्कोरर के साथ साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। लेकिन अब टीम इंडिया को 2012 ओलंपिक्स में क्वालिफाई करवाने की बड़ी चुनौती संदीप के सामने थी। यह चुनौती बड़ी इसलिए थी क्योंकि 2008 ओलंपिक्स के लिए टीम इंडिया क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। ओलंपिक क्वालिफायर शुरू होते हैं और संदीप सिंह की अगुवाई वाली टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा फाइनल में पहुंचती है और ओलंपिक क्वालिफायर्स 2012 का फाइनल संदीप सिंह के लिए सबसे यादगार मैच बन जाता है।
फ्रांस के खिलाफ खेले गए इस फाइनल में संदीप सिंह के 5 गोल की बदौलत इंडिया 8-1 से जीतती है और क्वालिफाई कर जाती है। फाइनल्स में पहला मैं रिकॉर्ड बनाता हूं जो कि मेरे आइडियल हैं अभी भी, धनराज पिल्ले, उन्होंने 121 गोल किए हैं, 121 गोल्स, तो मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया सेम नाइट को ही मैंने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की, जो मैं ड्रैग फ्लिक करता हूँ, वो दूसरा रिकॉर्ड था। और तीसरा रिकॉर्ड ये था कि मैंने एक ही मैच में इंटरनेशनल लेवल पर फाइनल्स में 5 गोल किए और सेम नाइट को ही मेरा बर्थडे था। दोस्तों, संदीप सिंह की यह कहानी हम सबको एक चीज सिखाती है, नेवर एवर गिव अप। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को फ्लिकर सिंह की कहानी ने बहुत मोटिवेट किया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की बॉलीवुड और फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।